अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मोबाइल रिपेयरिंग मास्टर मोबाइल रिपेयरिंग। और दोस्तों आज ही हमारे पास जो है इन्फिनिक्स का टच मोबाइल आया है। और दोस्तों इसमें मसला ये है कि ये जो है बार बार रिस्टार्ट हो रहा है और लोगों से कभी आगे चले जाता है और कभी बार बार रिस्टार्ट होता रहता है। तो चलें वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आज की वीडियो में कि अगर किसी भी मोबाइल में इस किस्म का फॉल्ट आता है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फिनिक्स का मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो। ये देखें आप, ये जो है अब रिस्टार्ट होना शुरू हो गया है दोस्तों। ये अभी मैंने इसको ऑन किया है, अब ये देखें ये रिस्टार्ट होता रहेगा और यही सिचुएशन इसमें रहेगी। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस फॉल्ट आने के बाद सबसे पहले हम मीटर से जो है बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे कि बैटरी में कितने वोल्टेज हैं। तो दोस्तों आप ये देखें बैटरी इसकी फुल चार्ज है, मतलब बैटरी से ये इशू नहीं है। क्योंकि बाज़ वक़्त जब आपकी बैटरी में वोल्ट कम हो, 3.7 से नीचे हो, तो ये फॉल्ट आता है। तो अभी देखेंगे दोस्तों कि डायरेक्ट ऑन हो रहा है ये, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो पावर बटन की रिबिन है वो शॉर्ट हो गई है। और बाज़ वक़्त जो दोस्त हैं इस फॉल्ट को समझ नहीं पाते, वो समझते हैं सॉफ्टवेयर का मसला है, सॉफ्टवेयर भी कर लेते हैं उसके बाद भी यही मसला आता है, फिर वो समझते हैं कि हार्डवेयर का मसला है। तो ये मैं आपको आज दिखाता हूँ कि दोस्तों ये पावर बटन से भी मसला आता है ये। और ये देखें मैंने बोर्ड को जो है पावर रिबन से डिस्कनेक्ट कर लिया, उसके बाद ये देखें दोस्तों ये आगे चला गया है ये। और वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो अभी आप ये देखें मोबाइल पूरी तरीके से अभी ऑन हो रहा है ये, और देखते हैं आगे जाता है। ये देखें दोस्तों ये आगे चला गया है। और इसमें जो दोस्तों मसला था ये था पावर बिन का, इसका जो पावर बटन होता है वो हो गया शॉर्ट। तो आप किसी मोबाइल में ऐसा फॉल्ट आए तो आप इस पावर बिन को आप चेंज कर सकते हैं, या इसी बटन की आप जो है अच्छी तरीके या इसी बटन की आप अच्छी तरीके से क्लीनिंग करके थिनर वगैरह से या पीसीबी क्लीनर से उसके बाद आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने बोर्ड को वापस से जो है रिबिन के साथ अटैच किया है। तो ये आप देखिएगा, आप ये मैंने इसकी बैटरी निकाल के रखा, ये अब आप देखिएगा ये दोबारा जो है ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, ये खुद ब खुद स्टार्ट हो रहा है ये। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, और किसी मोबाइल में इसकी किस्म का फॉल्ट आए तो आप इसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी जो है मेमोरी आईसी का मसला हो या बैटरी का मसला हो। तो आप सबसे पहले आपने बैटरी का वॉल्ट चेक करने हैं, और उसके बाद आपने इसका पावर बटन चेक करना है कि पावर बटन शॉर्ट तो नहीं है या पावर रिबन शॉर्ट तो नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और नोटिफिकेशन के आइकन को दबा दीजिएगा। तो ये देखें दोस्तों ये जो है ऑन हो रहा है मोबाइल, अब मैंने इसको जो तो अभी ये देखें दोस्तों ये ऑन हो गया है, और इसमें जो है पावर बटन की रिबन का मसला था। तो आज तक इतना ही दोस्तों।